पंजाब की सियासत में वड्डा उलट फेर होया, वड्डा फेरबदल होया। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नवे मुख्यमंत्री बन चुके हैं ते उन्हां अगे बहुत सारिया चुनौतियां खड़ियां। मैं के पी सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करदा। इन्हां चुनौतियों के विचाले चरणजीत सिंह चन्नी नूं एक दलित कार्ड वजो सिर्फ पेश किया जा रहा है कि चन्नी साहब के कोले वो काबिलियत नहीं हैगी जिहड़ी एक मुख्यमंत्री कोले होनी चाहिए है। ये सवाल इस करके किया जा रहा क्योंकि ये दलित कार्ड वाली जी सियासत है वो एक चंगी सियासत दे लई, एक चंगे समाज के लिए बहुत वधिया रुझान नहीं हैगा, पर सियासत नूं यह रुझान फिट बैठता है। उन्होंने पता है कि जाति समीकरण जिहड़े वो उन्हां दे जरिए चोणां जित्तियां जांदियां, उन्हां जरिए जिहड़े लोगों नूं मगर लाया जाता, वादे किए जाते हैं। उन्हां वादियां दी गल किसी होर मोड़ ते होवेगी। अज ये गल होनी है कि मिस्टर चन्नी नूं जिन्हां ने लड्डू खवाए आ वो दिलों नाल हैगे आ चन्नी साहब दे। अज ये गल भी होनी है कि कांग्रेस इस पूरे एपीसोड के बहाने देश विच किहड़ा सुनेहा देना चाहती है, ये भी गल होनी है। ये भी गल होनी चाहिए है कि सूबे विच चन्नी साहब दे अके चैलेंज किहड़े हैगे आ, मुद्दे किहड़े हैगे आ जिन्हां मुद्दियां दा हल है जिहड़ा वो पंजाब चाहुंदा हैगा। पर इन्हां सारे सवालों के विचाले जिहड़ी एक लड़ाई पंजाब दे विच शुरू कीती गई है, जट सिख वर्सस दलित कार्ड, हिंदू कार्ड, ये सारिया लड़ाइया जिहड़ियां वो 2022 तक सीमित है, जां कांग्रेस ने कि इहो जिहा कार्ड खेड दिता जिहदे नाल विरोधी धिरां नूं भी अपनी सियासत बदलनी पवेगी। बहुत सारे सवाल है तो सवाल वड्डा ही पुछांगे, चन्नी अगे किन्ने चल। अज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नूं इत्थे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पहलां नहीं। पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी किसानां नूं अपना गल बढ़ के दे दा। हाई कमांड ने 18 मुद्दे दिते है, वो एक एक करके हुणे पूरे होणगे, अगे नहीं पावां, अगे नहीं पावां। चरण सिंह चन्नी नगर कौंसल दे एमसी तो लै के सीएम बनन तक दा उन्हां दा सफर किदां दा रहा, उन्होंने पढ़ाई किन्नी कीती हुई है, ये सारिया चीज़ां सानू दसनिया पैणगियां। सिर्फ दलित दलित कह के असी प्रचार रहे हैं, चरण सिंह चन्नी ने किन्नी पढ़ाई कीती हुई है, हुण डॉक्टरेट करदे पे है, थोड़े समय बाद उन्होंने PhD कंप्लीट हो जाएगी, ये भी सानू दसना पवेगा। उन्होंने पढ़ाई किन्नी है की है, वो इलैक्शन कदे हारे नहीं गए, चाहे वह नगर कौंसल का होवे ते चाहे वह विधानसभा का होवे, आजाद तौर पर भी जीत चुके हैं। तो पर चरणजीत सिंह चन्नी जदों मीडिया के मुखातब होंदे आ, पहली प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन्होंने अगे चैलेंज कड़े पहला सुन लिए कि खेतीबाड़ी प्रधान सूबा है पंजाब, पंजाब की खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी तो किसानों अपना गल बढ़ के दे दांगा, लेकिन पंजाब की किसानी ते आंच नहीं आन देगी। ये किसानों की सरकार है, किसानों की हितैषी सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है। काले कानून वापस लैण वास्ते मैं केंद्र सरकार नूं अपील करदा, कोई थानेदार मुंशी किसी बंदे नूं नजायज तंग नहीं करेगा, सारिआं नूं इंसाफ मिलेगा, दोषी अंदर जाणगे चाहे वह कोई भी होवे, चाहे किस दा वड्डा होवे चाहे छोटा होवे, किसे सब वास्ते कानून इक। यह नहीं है कि जी वड्डा आया तो सारा कुछ ठीक है, तहसीलां दे विच बिल्कुल सही तरीके नाल काम चलेगा, या मैं रहांगा या फिर नहीं तो वो रहेंगे। कि थोड़ा भरा थोड़ा छोटा है बड़ा है, थोड़ा पुत्र है, मैं उरे मैनू मेरे नुमाइंदियां ने बिठा लिया, एक एक मसले का हल कर दांगा, किसे नाल कोई दरैंत नहीं होएगी, थोड़े बकाए आ वो रहेंगे, जेड़े पक्के होने वाले पक्के होंगे, सब दे काम करांगा, मसले सारे हल करांगा, मैनू थोड़ा जिहा टाइम दे दो। एक बार मेरी अपील ते सारिया हड़तालां बंद करके अपने काम ते आ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं मंगदा, मैनू थोड़ा टाइम दे दो। एक मैं बेनती करांगा कि मेरा बिस्तरा मेरी गड्डी दे विच ही लग्या होया, सिद्धू साहब बैठन लगे कहिंदे आ की है पिछे, मैं कहा भाई जी बिस्तरा लग्या होया, मैं तां 4 बजे तुर पैंदा, जिथे पहुँचना हो 7 बजे पहुँच जाना, मैं पंजाब के घर घर में जाना। जिहड़ी गल ऐसी कही है कि आ मुद्दे रहिंदे है, हाई कमांड ने 18 मुद्दे दिते है, वो एक एक करके हुणे पूरे होणगे, अगे नहीं पावांगे।
ना बरगाड़ी अगे पेगा ना कोई होर अगे पेगा, गणाउण दी लोड़ नहीं। तुहानू सारे पता मैं गणाउंदा ही रहा पिछले 6 महीने या साल, ये मुद्दे सारे हल होने हैं। इस डिबेट के असं यह सवाल रख रहे हैं कि पंजाब के नवे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बहाने कांग्रेस से की ने निशाने। इस सवाल से बहस होगी, पैनल साडा मौजूद है, उन्होंने तारफ कराने, उस तो बाद डिबेट शुरू करा। राजू विलियम सीनियर जर्नलिस्ट ने, राजू विलियम कई दहाकों तो पत्रकारिता करते पे है, तो इन्ह सारे घटनाक्रम चंगी तरह कवर भी करते हैं। तो जे कांग्रेस निशानिया का जिक्र हो फिर वैसटर्न यूपी के भी कवरेज कर चुके हैं, दिल्ली के भी कवरेज कर चुके हैं। इस करके इन्हों तो सवाल होने लाजमी है कि उत्तराखंड तो यूपी की सियासत की इन्हें जुड़ी तो नहीं हुई। राजू विलियम बहुत स्वागत है। हरदीप सिंह किंगरा कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, तो हरदीप सिंह किंगरा हर की पार्टी है जी वो जानी जाती है कि एक नवे प्रयोग किए जा जिहड़ा वोट बैंक इन्हों खुसिया उस वोट बैंक वापस लिया जाए, पर हूँ एक कित देर तो नहीं होगी। मिस्टर किंगरा समझने की कोशिश करा। किंगरा साहब बहुत स्वागत है। विनीत वर्मा आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। विनीत वर्मा की पार्टी अगर चुनौती है कि सीएम फेस हूँ किनू ऐलाना जाए, तो किस तरीके इस सारी प्रक्रिया अगे बताया जाए, क्योंकि हूँ दंगल की तस्वीर अबल की नज़र आ रही है। विनीत वर्मा बहुत स्वागत है। नवदेव सिंह आकड़ी श्रोमणी अकाली स्पोक्सपर्सन है, ये सरबत दे भले दे फलसफे दे चलन की गल करते हैं, तो जो ये गल करते हैं तो फिर दलित सीएम या दलित डिप्टी सीएम का जिक्र होना चाहिए, वो फिलोसफी इन्हों समझ की कोशिश करा कि पंजाब के पॉलिटिक्स क्यों एंटर कर रही है। नवदीप सिंह आकड़ी थोड़ा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल है हरदीप सिंह किंगरा, तुम हरदीप सिंह किंगरा कांग्रेस का असल मकसद की है? चरण सिंह चन्नी बारे सारे चर्चा करते हैं कि एक डमी सीएम बनाता, कांग्रेस का असल मकसद कोई होर है? मिस्टर किंगरा की समझ आता? केपी जी सब तो पहला तो मैं नवे बने मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हरां नूं वधाई देना थोड़े चैनल के थ्रू। मैं उह भी वधाई दित्ती उन्हां नूं परसनली भी जी, और मैं सारी पंजाब दे जनता नूं और कांग्रेस नूं मुबारकबाद देना कि एक धरत नाल जुड़िया होया इंसान जिहड़ा वो पंजाब दा मुख्यमंत्री बनिया, यानी जैल सिंह हरां तों बाद तुसीं ते मैं दोवें भली भांति जानदे आ कि धरत नाल जुड़े बंदे काकी मुख्यमंत्री बने। दूजी गल जिहड़ी तुसीं कीती है कांग्रेस दे बारे कि कांग्रेस दा मकसद की है, कांग्रेस भारत की सब तो पुरानी सियासी जमात है, सियासी पार्टी है, जिसने बहुत सारा रोल जिहड़ा आजादी की लड़ाई दे विच पाया, बहुत सारे मुद्दे जिहड़े इस देश दे आ उह कांग्रेस ने हल किए, तो उन्होंने नींह पत्थर रखिया। कांग्रेस ने कदे कोई कार्ड नहीं खेडिया, यह तो परसैप्शन है लोगों की। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के अज तो कई साल पहला मुख्यमंत्री एक दलित वर्ग चो बनाया सी, जिहड़ा कि पुलिस के बहुत छोटा अफसर सी। कांग्रेस ने भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होम मिनिस्टर ये भी जिहड़ा हैगा पीपल बिलोंगिंग टू कास्ट मैंशन इन द शेड्यूल ऑफ इंडिया उन्हां चो बनाए सी। सो कांग्रेस ने कोई कार्ड नहीं खेडिया। कांग्रेस इस देश की सब तो सैकूलर ते किसे जात पात दे विच ना विश्वास करन वाली सियासी जमात है। ओह तां एक रूटीन दे विच इन्हां ने गल कीती है, चन्नी साहब आपकी काबिलियत दे आपकी लियाकत दे आजाद उम्मीदवार जिते कदे इलैक्शन नहीं हारे, PhD कर रहे हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, धरत नाल जुड़े हुए है, ये सारिया खूबियां जिहड़ियां ने चन्नी साहब दे विच पाईआं गईआं, इसे करके उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। ठीक ठीक तुसीं क्या सराइयां ला लो, राजू विलियम कांग्रेस का असल निशाना की है? हरदीप सिंह किंगरा कहते थोड़े क्या सराई है कि उन्होंने कोई कार्ड खेडिया? कहते कोई कोई कार्ड नहीं खेडिया, असीं तां आम आदमी दे नाल खड़े हैं, धरत दे नाल जुड़े बंदे हैं, उन्होंने उस चौधियां तक लैके जाने। राजू विलियम एपी जी अज की सियासत है ते उहदे विच जे आपां इदां दी गल करिए कि कोई कार्ड नहीं खेडिया जांदा, इह हजम नहीं ना होण वाली गल है, लोग इस गल नूं स्वीकार नहीं करते है। वोट बैंक पॉलिटिक्स है एक बड़ी कौड़ी सच्चाई है, इस करके ये कहना कि सरदार चरणजीत चन्नी नूं निरोल कोई उन्हां दी इस योग्यता दे के बहुत वधिया उह एडमिनिस्ट्रेटर ने, बहुत वधिया उह पॉलिटिशियन ने, इस करके बना रहा, तो एक गल हजम होने वाली नहीं हैगी।
नहीं कांग्रेस का टारगेट की है, तुहानू समझ आया कुछ राजू विलियम? अपने आप ईमानदारी वाली गल नहीं है। दूसरी गल है लोग किवें परसीव करते ने, गल इत्थे आके मुकदी है। तुसी जिवें मर्जी करो, कुछ मर्जी सोच के करो, लेकिन ये मनना पऊगा कि लोग इन इस तरीके दे नाल लै रहे हैगे है कि तुसी जिहड़ी पंजाबी राजनीति है, ना सिर्फ पंजाबी राजनीति है, इस राजनीति इन्हां नूं चरणजीत सिकन्नी नूं मुख्यमंत्री बनाउण दे नाल कांग्रेस पार्टी ने पंजाब तों बाहर जिहड़े दो होर सूबे खास करके उत्तराखंड ते यूपी उहदे विच वी अपने आप नूं इन्हां ने जिहड़ा दलित वर्ग जिहड़ा हैगा तुहाडी जानकारी वास्ते कि उत्तराखंड दे विच करीब करीब 18% दलित वोट हैगी। उस तरीके दे नाल यूपी दे विच भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक हैगा 22% दे करीब हैगा। और कांग्रेस दा जिहड़ा हैगा यूपी जिहड़ी हैगी है कांग्रेस वास्ते बेहद इंपॉर्टेंट हैगी, और ये दोवां स्टेटां दे इलैक्शन जिहड़े आ पंजाब दे नाल ही होण वाले ने। और पंजाब दे विच इन्हां ने एक दलित जिहड़ा मुख्यमंत्री जिहनूं आपां कहिंदे उह बणा के इन्हां ने पंजाब की राजनीति जिहड़ी हैगी है उहदे विच बेशक मतलब भी एक नवी जिहड़ी है इक्वेशन जिहड़ी हैगी उह बनाई हैगी है। दूसरियां पार्टियां जिहड़ियां हैगियां मेन आम आदमी पार्टी है, अकाली दल हैगियां, उह डिफेंसिव मोड च ने, उहनां नूं अपनी पंजाब की राजनीति स्ट्रैटेजी जिहड़ी है इलैक्टोरल उह रीडिजाइन करनी पैणी है हुण, क्योंकि इह पार्टियां पहलां तों ही इह करदियां आ रहियां कि जिवें अकाली दल कि असीं डिप्टी मुख्यमंत्री जिहड़ा बनावांगे, उवें आम आदमी पार्टी, उवें ईवन जो भाजपा जिहड़ी कहिंदी सी असीं तां मुख्यमंत्री भी बना देवांगे, लेकिन कांग्रेस ने यह करके विखा दिता हैगा कि असीं बना दिता है। ठीक है, हुण जिहड़ी राजनीति हैगी है 5 महीने रह गए ने उह इस गल ते मुनसिक हैगी कि जिहड़ा इह 32% 33% जिहड़ा हिंदुस्तान च सब तों बड़ा दलित जिहड़ी हैगी है परसेंटेज हैगी है पापूलेशन की उहनूं अपने वल खिंचण दे लई की करदे ने कांग्रेस ने बेशक एक बहुत वधिया पत्ता। चलो मैं एक छोटा ब्रेक लूंगा, ब्रेक तो वापस आवाँगे। चन्नी जी ने लड्डू खवाए है वो दिलों नाल है कि है 2022 का पेज कितने जाके फस गया कि चन्नी अगे चैलेंज सिर्फ यह है कि पंजाब के मुद्दे है, चन्नी अगे चैलेंज यह भी होगा कि आपके भाईचारे को किवें एकजुट रखना तो पूरी कांग्रेस है जी वो किस तरीके अगे वधेगी, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो माझा ब्रिगेड है वो ग्रुप है जो किस तरीके काम करेगा, नवजोत सिंह सिद्धू जेडे कि खुद सीएम के दावेदार मानते आपके आप को उन्हों का ग्रो धड़ा जरा किस तरीके काम करेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि चन्नी साहब उन्होंने धड़े चो है, पर सवाल बहुत सारे वापस आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नो ऐसे तक लिया के बिठा देता है जिथे तक मेरी और साड़ी औकात पहला नहीं, पंजाब की खेती बाड़ी ते जेकर आंच आएगी किसानों अपना गल बढ़ के दे देगा। हाईकमान ने 18 मुद्दे दिते है वो एक एक करके हुणे पूरे होणगे, अगे नहीं पावांगे, अगे नहीं पावांगे। पंजाब के नवे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बहाने कांग्रेस के की ने निशाने। विनीत वर्मा तुहानू हुण अपनी पॉलिटिक्स अपनी रणनीति है जिहड़ी रीडिजाइन करनी पवेगी। विनीत वर्मा तुहाडे विच ही कुछ लोग है कि उन्होंने ऐलान दो ना सीएम फेस, क्यों नहीं ऐलान दे पए? देखो जी हुंदा जिहड़े सीएम फेस ऐलान वाली गल आ उह मेरे प्रेजेंटेटिव दा काम नहीं गा, उह पार्टी हाई कमांड ने डिसीजन लैणा है। हजे 2022 दूर है, वक्त आए ते डिसीजन लवांगे। और बिल्कुल मैं तुहानू फिर दावे नाल इह गल कहिंदा वी असीं मुख्यमंत्री फेस नाल 2022 दीआं चोणां लड़ांगे और पूरे दमखम नाल। मुख्यमंत्री फेस केड़ा होगा जिवें कांग्रेस अनाउंस करती पी है, जिवें कांग्रेस ने बनाता इदां दा तुसीं अनाउंस करना, जां जो केजरीवाल साहब दी स्टेटमेंट अमृतसर वाली ओह उहते खड़े रहोगे? देखो हू बहू जो केजरीवाल साहब जी दी साडे पार्टी सुप्रीमो दी स्टेटमेंट है उही फॉलो होगा, जिद्दां उह कह के गए उदां ही। विनीत वर्मा अज बड़ा नाप तोल के बोलदे पए हो। विनीत वर्मा कांग्रेस दी इस रणनीति दे विच आम आदमी पार्टी फस गई है? नहीं देखो फसी नहीं, देखो कांग्रेस का अपना सिस्टम है, उन्होंने वर्किंग का उन्होंने अपना स्टाइल है वर्किंग का। तो इनफैक्ट सानू उन्होंने मुख्यमंत्री जिहड़े भी उन्होंने चाहे डिप्टी सीएम बनाए ने सानू उन्होंने नाल की हो सकता ना, इतराज सानू की इतराज है, ठीक है उन्होंने आपकी परसनल पॉलिटिक्स है, पर सिर्फ साडा मुख विरोधी धिर दा काम तो यही है भी जिनी जल्दी हो सकते हैं ये वादे जिहड़े ने इन्होंने 2017 च करे या हुण 2019 च भी इन्हों के 19 नुकतों की जी गल हो रही है 18 नुकतों की गल हो रही है उन्होंने पूरा करो, लोगों को रिलीफ देखो अल्टीमेटली तो लोगों को रिलीफ देने का मसला है। मुख्यमंत्री कोई भी होवे लोगों की काम करने वाला होना चाहिए। तो सानू बड़ी उम्मीद है भी जिहड़े चन्नी जी हो गए अपना सुखजिंदर रंधावा जी हो गए
ਤੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸਦਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਵਨੀਤ ਵਰਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਪੀ ਜੀ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨੀਤ ਵਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚਲੋ। ਵਨੀਤ ਵਰਮਾ ਬੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਖੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਨੀਤ ਵਰਮਾ, ਵਾਪਸ ਆਜੂਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਰਦੇਵ ਆਖੜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਕੇ? ਕੇਪੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੌਖੇ ਜਾਂ ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸੀਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏਗੀ 2022 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 80% 90% ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਲਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਪੀ ਜੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਦੇ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨੋ ਨੋ, ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾਤੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਂ ਐਜ ਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਿਣਾਤਾ ਆਕੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਉਧਰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਡਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਕੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਗਵਨ ਕੀਤਾ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ, ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ, ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗਰਾ?
देखो असी कांग्रेस पार्टी एक जथेबंदी है, कांग्रेस पार्टी एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जिसकी 140 साल पुरानी हिस्ट्री है। अकाली दल हुंदा सी, आज अकाली दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इंडिविजुअल दी, और वो इंडिविजुअल तो बिना किसी पासे नहीं जा सकती, ना ही इंडिविजुअल उनके तुहाडे सामने मेरे वीर इन्होंने आम आदमी पार्टी वाले ने आख्या साडे सुप्रीमो, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੀਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ? ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੰਥਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਬੁੱਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਕਲਬੀਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ MLA ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੂਜੇ ਹੱਥੇ ਉਂਗਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰ? ਇਸੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ KP, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੱਲੇ MLA ਦੀ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, that indicates ke they are important। ek mint sir sun lo CLP di baithak hoi, baithak to baad observer bahar aake kehnde hai ke high command nu ikhtiyar ditte gaye hai, raat bitan to baad svere faisla aa jauga, us to baad phone karke ek mint sir sun lo kingra sir phone karke observer ne, ek mint sir sun lo na, nahi pata na sir main ta hi puch reha, observers ne MLAs nu phone karke puchya ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? CLP ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਫਿਰ ਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਹੋ KP, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ MLA ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਡਿਪਟੀ CM ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਿਪਟੀ CM ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਡਿਪਟੀ CM ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੰਬਲਨੈਸ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹੰਬਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ ਉਛੜੋ, ਡਿਪਟੀ CM ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੰਬਲ ਆਏ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂਹਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਹਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਹਰਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ।
पंजाब की खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी किसानों नूं अपना गल बढ़ के देता हाई कमांड ने 18 मुद्दे दिते है वो 21 करके हुणे पूरे होणगे अगे नहीं पावां। पंजाब के नवे मुख्यमंत्री चंद सिंह चन्नी बान ने कांग्रेस से की ने निशान ने राज विलियम असी हुण डिबेट ते असल च पहुंचे हैं। राज विलियम जदों चंद सिंह चन्नी दे नाम दा अनाउंसमेंट हुंदी है इहदा मतलब नवजोत सिद्धू दे अके औकड़ां खड़ियां कर दित्तियां गईआं ने। इस दे विचाले दो ट्वीट भी आ जांदे है, एक हरीश रावत राणा ट्वीट आउंदा, उस तों बाद काउंटर करन लई सुरजेवाल साहब की सफाई आउंदी है। राजू विलियम मेरा सवाल है कि चंद सिंह चन्नी दे नाम ते ही अगले इलैक्शन क्यों ना लड़े जाण, जां चंद सिंह चन्नी पूरा टाइम नहीं कट पाणगे राजू विलियम, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मैं इस पूरे मसले दे विचों आउट करके नहीं देख रहा। राजू विलियम केपी जी बिल्कुल सही गल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो सीएम दे ओहदे ते नहीं हैगे, लेकिन हले भी वह कांग्रेस पार्टी दे एमएलए हैगे और उन्हां नूं बिल्कुल ही अखो परोखे नहीं किया जा सकता, और खास करके इस रोशनी च कि जो उन्होंने कहा है कि मैं मेरे ऑप्शन ओपन ने, जो रिजाइन किया तो मैं एक्टिव हैगा, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स बाहर नहीं हैगा, आने वाले समय के कहा है भी मौके के उत्ते दसांगे। हुण की करदे ने इह तां उह जाणदे ने, जो करनगे उदों देखांगे, लेकिन एक गल बड़ी साफ हैगी है कि पत्ता तो बिल्कुल ठीक खेडिया कांग्रेस ने, लेकिन सवाल यह हैगा कि पत्ता किन्नी देर मतलब ही चलूगा, और इहदे लई किसी बाहरों नहीं किसी ने इस गल ते उत्ते कोई प्रश्न चिन्ह लाया, पर उसके अंदरों ही जिवें तुसीं हुणे हवाला दिता है सुनील जाखड़ होरां दा, जिन्हां ने कि हरीश रावत जी की जिहड़ी अनाउंसमेंट हैगी है कि जी 2022 का इलैक्शन जिहड़ा हैगा है नवजोत सिंह सिद्धू की अगवाई च लड़िया जाएगा, और उन्हें बड़े अंग्रेजी दे विच ट्वीट की और बड़े जोरदार असरदार तरीके दे नाल कीते, उह कहिंदे फिर इहदा मतलब की रह जांदा हैगा जे तुसीं नवजोत सिंह सिद्धू की अगवाई से लड़ना, तो फिर एक दलित इहनूं कर रहे पब्लिसाइज कि असीं दलित नूं बनाया है तो इहदा मतलब की रह जांदा है। बड़ी साफ जी गल हैगी है इत्थों। अच्छा, फिर उस तों बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जिहड़ा सुधार किया हैगा उहदे विच, एक डैमेज कंट्रोल किया हैगा जिहदे विच उन्होंने कहा कि जी सरदार चरणजीत चन्नी बतौर मुख्यमंत्री, नवजोत सिंह सिद्धू बतौर प्रधान चेहरा होणगे। हुण इह नहीं समझ आउंदी भी इह दो चेहरे होणगे, एक चेहरा होऊगा, इह कन्फ्यूजन जिहड़ी हैगी है इस गल दा सूचक है कि कांग्रेस पार्टी ने जदों तो लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिता या उन्होंने हटाने का मन बनाया, कांग्रेस के अंदर किसी किस्म की कोई कलैरिटी नहीं हैगी। देखो बकौल कैप्टन अमरिंदर दे उन्होंने उन्होंने कहा कि जी मैनू सवेरे मैं फोन किया 10 बजे तो मैं उन्होंने कहा कि जी आई एम रिजाइनिंग, उन्होंने पता सीगा CLP की मीटिंग बुलाई गई जिहड़ी कि जिवें पहला किंगा साहब ने कहा हैगा कि भी असी बिल्कुल ठीक ठाक तरीके नाल इह प्रोसैस नूं सिरे चाढ़िया, जबकि यह गलत हैगा, तुहाडा CLP का लीडर है उन्होंने पता ही नहीं हैगा CLP की मीटिंग बुलाई हैगी। चलो वह एक पासे, दूजी गल हैगी है कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री हटाने का तो मन बना लिया, हटा लिया, लेकिन इस गल के उत्ते कोई होमवर्क नहीं किया कि अगला कौन होगा। जे अगला किया हुंदा तां हटाउण तों बाद इस्तीफा देण तों बाद शाम नूं ही ऐलान हो जाणा चाहीदा सीगा, लेकिन ऐलान होया अगले दिन शाम नूं। और इत्थे मैं इह वी कहना चाहुंदा हां कि भी चरणजीत सिंह चन्नी इह सारे प्रोसैस नूं वेखी है घटनाक्रम नूं, ते चरणजीत चन्नी कोई पहली पसंद नहीं सीगे कांग्रेस लीडरशिप। जे पहली पसंद हुंदे तां उहनां दे नां ते पहले दिन ही शनिवार शाम नूं ही ऐलान हो गया हुंदा। इत्थे आके ये गल भी इस गल नूं मतलब भी प्रूव हुंदी है, सिद्ध हुंदी है कि ये एक पत्ता है, एक इलेक्टोरल कार्ड। राजू विलियम एक सवाल कर रहा है, जे तुहानूं पसंद आए तो मोहर ला दिओ, नहीं तो रहन दिओ। माझा ब्रिगेड ते नवजोत सिंह सिद्धू दे विचाले राय नहीं बनी, सहमति नहीं बनी, सुनील जाखड़ के नाम से सहमति नहीं बनी, इसलिए अलग अलग कैंप बन गए, तो उस लाटरी के विचों चरण सिंह चन्नी का नाम बाहर आया। राजू विलियम मैं यही तो कह रहा थानू कि भी ये पता नहीं किस किस्म की राजनीतिक सूझबूझ हैगी है कांग्रेस हाई कमांड की, भी पहला दो धड़े सीगे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो गए तो नवजोत सिंह सिद्धू, दो धड़िया एक करते करते पांच धड़े बने बना दिते, तो मैनू नहीं समझ आती भी ये कोई कोई राजनीतिक दूरअंदेशी की हैगी है। और यह गल बिल्कुल वाजब है, तुम आने वाले समय के भी यह देख सकते अपना कि जो मुख्यमंत्री बन जाता ना बंदा
उस वेले कुदरती तौर पे ओदे अंदर ह्यूमन असि सारे इंसान हैगे आ आकांक्षा हुंदी हैगी एंबिशन हुंदी है ता ओ एक एक बड़ी वाजिब जी गल हो रहेगी है वो हैगी है कि जो तुसी पब्लिसाइज कर दिता हैगा इहदा इहदा तुसी क्रेडिट लै रहे हो और पूरे बाकी तो नैशनल मीडिया के उत्ते भी यह गल गई हैगी है क्रेडिट लै रहे हो कि असी दलितों के नाल अज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच भी अपने दलित क्रेडेंशियल्स नू एस्टैबलिश करन दी कोशिश कीती है मुख्यमंत्री जी ने ता मुख्यमंत्री जदों तुसी पंजाब दे 32% दलितों दीआं जदों तुसी एस्पीरेशंस जिहड़ियां हैगियां उहनां नू मतलब भी चिंगारी दिओगे कि भाई हाँ असी तुहाडे वास्ते हैगे आ ते जदों इलैक्शन आऊगा उदों जे तुसी क्लीयर कट नहीं दसोगे कि भाई चरणजीत सिंह चन्नी ही साडा चेहरा होणगे पूरे करवाउण दा मसला या पंजाबियां नाल जिहड़े हैगे उहनां दे हर हर वर्ग जिहड़ा दुखी उहनां दा मसले हल करवाउण दा साडा तां पूरा निशाना उत्थे है। रही गल देखो जिहड़ी अज दी डेट च कांग्रेस च अगर आप यूनिटी की गल करिए या इन्हें समंजस की गल करिए गल सब जानते हैं भी सेंट्रली जी कांग्रेस की लीडरशिप है वो अच कमजोर हो चुकी है उत्थे भी दो तोड़े ने एक सोनिया गांधी एक राहुल गांधी दूसरा अज की रेट के असं देख रहे हैं जो ना अनाउंस करने तो बाद वक् वक् तरह के लीडर के इन्हों के ट्वीट आ रहे हैं सो अभी ज्यादा डूंगाई कांग्रेस के नहीं जाना चाहते पर एक गल जरूर है भी ऑल इज नॉट वैल इन कांग्रेस तो सानू उम्मीद लगती नहीं भी ये पूरे जो टर्म हैगी आप भी ये पूरी कर पाएंगे जिस हिसाब से आपस में कलैश कर रहे हैं बेसिक मुद्दों तो हट के सिर्फ अपनी परसनल पॉलिटिक्स से लगे थे। ठीक है नरेंद्र सिंह आखड़ी तो लगता कि मिस्टर चन्नी आदि टर्नओवर पूरी कर पाएंगे। देखो मिस्टर चन्नी नूं तां मैं पहलां भी कहा सी कंडियां दी सेज दित्ती है कांग्रेस पार्टी ने और इत्थे जिस तरह मिस्टर राजू जी ने गल कही है दलित कार्ड खेडण दा मतलब है कि दलितां दी तोहीन करना कांग्रेस पार्टी वालों और जे अज ही ट्वीट हरीश रावत दा आ गया कि अगलियां विधानसभा दीआं चोणां नवजोत सिंह सिद्धू दी अगवाई थले लड़ियां जाणगियां तां मेरा तां ख्याल नहीं अज तक किंगरा साहब नूं तसदीक कर देणगे अज तक जदों भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा उहदी अगवाई थले ही अगलियां चोणां लड़ियां गईआं लेकिन इत्थे उल्ट हो गया इत्थे उल्ट इस करके हो गया कि उहनां कोले पूरी सारी दिहाड़ी दे विच इक बंदे ते फैसला नहीं होया ना पंजाब दे लीडरां तों होया ना इहनां दे केंद्र दी लीडरशिप तों होया ते उह जिवें छज च पा के छंडी दा हुंदा ना मुख्यमंत्री दी चेयर नूं भी इहनां ने घटा के लोकां दे सामणे रखता कदे सुखजिंदर सिंह सुखी रंधावे दा आ गया कदे अपने सुनील जाखड़ दा आ गया कदे फिर एंड दे विच जो टकराव वध गया कांग्रेस दे विच और के पी जी दूजी वड्डी गल है ये सारे घटनाक्रम दे विच अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री रहे आ सूबे दे बेशक साडे कट्टर विरोधी है उहनां नूं अणडिठ करके कांग्रेस जां पंजाब कदे नहीं चल पाऊगा और आने वाले समय नहीं अफसोस इस गल का है कि जिस तरीके की इन्हों की जलालत भरी कार्रवाई है कांग्रेस पार्टी की ओरी मैं निंदा करदा जलील किया इस तो बाद जलालत की होगी एक मुख्यमंत्री तार के तार रखता ओरी राय नहीं ली बना कि है तो हूँ किंगरा साहब बालियां बड़ियां गल्लां करदे आ कि सेंटर दी लीडरशिप दखल अंदाज नहीं करदी फिर राहुल गांधी जी किस लिए आए पंजाब दे विच चन्नी साहब दे आउण दा तुहानूं दुख लग्गिआ नहीं कोई दुख नहीं नहीं असीं तां वधाई दित्ती है कोई दुख नहीं पर अफसोस रहेगा कि इह दलितां दे हितां नाल खिलवाड़ करेगी कांग्रेस पार्टी। तुसीं दलितां दी गल कर रहे हो जां अकाली दल दी गल कर रहे हो? मैं दलित चेहरे दी गल कर रहा हां जो मुख्यमंत्री बनाया। मैं इक होर छोटा ब्रेक खिलवाड़ करेगी कांग्रेस। मैं इक होर छोटा ब्रेक लूंगा ब्रेक तों वापस आऊंगा। कैप्टन बदलिआ पंजाब लई की बदलेगा जिहड़ी अकाली दल ते कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली सियासत सी की उस नूं रोक लाण दे विच कांग्रेस कामयाबी हासिल कर लेगी? सवाल यह है क्योंकि कांग्रेस से वार वार इल्जाम सीगे कि कैप्टन ते बादलां दी आपसी दोस्ती है इस करके मसले हल नहीं हो रहे गए। इस तों अलावा मिस्टर चन्नी दे अगे होर बहुत सारे चैलेंजस हैगे आ ते उहनां चैलेंज दे विच माझा ब्रिगेड बहुत वड्डा चैलेंज हैगा ते इस तों अलावा बाकी होर जिहड़े कैंप बन चुके आ राजू विलियम हरिगनार रहे आ उह चैलेंज बहुत वड्डे हैगे आ पर कांग्रेस अगे चैलेंज कला पंजाब नहीं हैगा कांग्रेस के अगे चैलेंज होर सूबे भी हैगे आ उन्हां चैलेंज दा भी असीं जिक्र कर रहे हैं। वापस आ रहे हैं अज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नूं इत्थे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पहला नहीं पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी किसानां नूं अपना गल वड के दे दांगे हाई कमांड ने 18 मुद्दे दिते है ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ
मिस्टर सिद्धू नूं सीएम बनना चाहिए सीगा तुहाडे मुताबिक की होना चाहिए किंगरा साहब? देखो ये सारिया चीजा कंसिडर करके चाहिए सी नहीं चाहिए सी आप ज्योतिष क्यों लाने लग जाने? चरणजीत सिंह चन्नी हुण सीएम है, सिद्धू साहब प्रधान है, ज्योतिष ला रहे हो ये क्लीयर कट है चन्नी साहब सीएम है तो उन्होंने अगवाई चोणा लड़ो ना फिर नहीं नहीं अगवाई सिद्धू साहब जिहड़े है वो कांग्रेस दे प्रधान है ते कांग्रेस दा प्रधान जिहड़ा है वो इंपोर्टेंट फिगर है किसी भी इलेक्शन दे विच किसी भी सूबे दा होवे अकाली दल दा प्रधान इंपोर्टेंट फिगर है हुण अकाली दल किहदी अगवाई च लड़ूगा इलेक्शन अकाली दल दे प्रधान दी अगवाई च आम आदमी पार्टी किहदे अगवाई च लड़नगे आम आदमी पार्टी दे प्रधान दी अगवाई च बीजेपी वाले बीजेपी दे प्रधान दी अगवाई च लड़नगे प्रधानमंत्री कांग्रेस का हो सकता है फिर बीजेपी इलेक्शन लड़ते इस तरह दल्ला देखो ये गल्ला जिहड़ियां ने ना ये अग्ञानता करके मैं सवाल कर रहा नवजोत सिंह सिद्धू दे हुंदियां जे मिस्टर चन्नी नूं सीएम बना दिता गया तो फिर मिस्टर चन्नी दे हुंदियां जे तुसीं किसे होर नूं पेश करना फिर दलित चेहरा क्यों नहीं पेश करते क्यों तुसीं फिर उधर वापस जा रहे हो धारनी है ज्योतिष वाली गल जी ज्योतिष वाली गल नवे सीएम साहब जरूर पुछियो किंगरा साहब मैं थोनू फिर पुछदांगा मैं तुहाडे नाल सहमत हां कई गल्लां दा लोकां दा विश्वास हुंदा गा पर मैं तुहानू इक गल फिर दसदा कांग्रेस ते इस तरह दे टर्मोइल कोई पहली वारी नहीं आएगे कांग्रेस ते इस तरह दे बड़े टर्मोइल आए कांग्रेस दी वड्डी पार्टी हरेक तूफान चो निकली है ठीक है किंगरा साहब मैनूं इक लाइन नहीं याद आ रही किंगरा साहब क्योंकि पार्टी भी करे तूफान भी करे कमरे च आउणा सारा कुछ किंगरा साहब मैनूं इक लाइन याद आ गई मैं कुत्ता दा आउणा कईयां दे परिवार च आउणा किंगरा साहब मैनूं इक लाइन याद आ गई मैं कई बिना रह नहीं सकदा मैं सुनया सीगा हाथों की लकीरों के फरेबों में मत आना हाथों की लकीरों के फरेबों में मत आना ज्योतिष की दुकानों में मुकद्दर नहीं बिकते किंगरा साहब तुसीं तां खुद साइंस दे नाल जुड़े हुए हो वनीत वर्मा लास्ट मिनट तुहाडा वनीत वर्मा सीएम फेस की रेस में सिद्धू दे बारे जिहड़ी चर्चा आम आदमी पार्टी दे बारे भी गलबात हुंदी रही है कि आम आदमी पार्टी भी चाहुंदी सी सिद्धू साहब इधर आउण ते हुण आम आदमी पार्टी चाहुंदी है कि चन्नी साहब नाल मुकाबला होवे जां सिद्धू साहब नाल होवे वनीत वर्मा देखो दोनों चो किसी भी हो जाए अपन सारे पता है भी पास्ट जिहड़े नवजोत सिंह सिद्धू पहला भी मुख्यमंत्री दियास दे विच पहला अपनी कैबिनेट फिर छड़ के अपने कैबिनेट के काम उन्होंने की करे ने सानू भी पता है रही गल चन्नी साहब की देखो चन्नी साहब दे भी बड़े असीं सुनते आए हैं बयान भी कैप्टन साहब ने काम नहीं करया कैप्टन साहब नहीं करया काम करने वास्ते तो देखो महीना भी बहुत हुंदा पर हजे असीं कहने चलो दो तीन महीने हैगे असीं देखदे हां कहिंदे इहनां दी की परफॉर्मेंस है 29 दिन भी बहुत हुंदे आ कहिंदे किंगरा साहब की कहे सरकारां 29 दिन रहियां ओ थोड़े थोड़े नहीं हुंदे 29 दिन भी ਖਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਸੌ ਵੀ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹੌਰ ਅਸਕਰ ਥੋੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸੋਹ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਿੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਆ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ
ये राजनीतिक बदले की भावना नाल जे कोई बंदा काम करूगा, पिछली अमरिंदर सिंह की सरकार ने भी बदले की भावना नाल काम किया ही, उदों मूँह की खाणी पई सी। मैनू इदां लगता कि अकाली दल बसपा के इस पवित्र गठजोड़ के अगे कांग्रेस पंजाब सूबे की बौनी बन के रहेगी। ये जो मर्जी चाल चलन, इन दाल हूँ कामयाब नहीं होगी, और लोग समझ चुके हैं इन्हां दे वड्डे लीडर केंद्र की लीडरशिप अज ही पंजाब चा के पुआड़े पा गई, जिवें पहला दो धड़े सी पंज हो गए, जिवें फिर हुण दलित चेहरा तां देता मुख्यमंत्री दा, धड़े होए तुहाडे तां अकाली दल किन्ने बन गए। नहीं नहीं, चलो अकाली दलां दे हिस्ट्री आ, अकाली दल तां हमेशा अकाली दल इक्को रिहा जे जिहड़ा पंजाब च राज करदा है, उदां अकाली दल तां 17 वी बन गए सी। ते केंगरा साहब आ जिहड़ा तुसीं कार्ड खेडिया ना जी, ये तुहाडे पुट्ठे पएगा जे तुसीं चन्नी नूं लेट ऑन करोगे, उन्होंने बैकफुट पर लियाओगे। ठीक है राजू विलियम जी, मेरा आखिरी सवाल है तुहानू राजू विलियम जी, ये कार्ड है कांग्रेस को पुट्ठा तो नहीं पैन जा रहा जिहड़ा सवाल मिस्टर आकड़ी चकते पे है, कांग्रेस को पुट्ठा तो नहीं पै जाएगा ये कार्ड? अगे इन दोबारा फिर वही गल उत्थे आ गई कि भाई पुट्ठा पवेगा या नहीं पवेगा, ये मुनसर करता है कि वो कार्ड खेडिया किवें जाएगा। और उत्थे आके ही सरदार चन्नी होरां नूं बनाया है तां बतौर मुख्यमंत्री अपनी योग्यता नूं सिद्ध करन और पार्टी नाल लैके चलन। लेकिन अज दी जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस है उहदे च तां कोई बहुत मतलब कोई लगदा नहीं हैगा गा, कोई बहुत असर नहीं उन्हां ने छड्डिया गा। हालांकि ये कहना वाजिब नहीं है, नॉर्मली भी पहले दिन होवे, पहला दिन होवे, हजे सौंह चुकी होवे ते उहदे तों सवाल जवाब जल्दी की जाए, रिपोर्ट कार्ड मंगया जाए। लेकिन ये स्थिति बड़ी डिफरेंट हैगी है पंजाब, क्योंकि इस वेले मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया गया है जेडे के इस तो पहला ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन रहे ने, MLA रहे ने, और 4.5 साल इसे ही सरकार जिदी उन्होंने असहमति जाहिर की जिदी वर्किंग दे नाल उस सरकार च 4.5 साल मंत्री रहे ने, और 4.5 साल बाद अज प्रैस कॉन्फ्रेंस वधिया हुंदा जे अज वह किसी ना किसी मसले का कोई हल दस दे। मसलन उन्होंने कहा जी कि सस्ती बिजली देने का वादा किया, और मैनू एक गल की समझ नहीं आती कि तुसी 4.5 साल रौला पाते रहे हो, तुसी अंदर कैबिनेट च रहे हो, तुसी सरकार का हिस्सा रहे हो। बड़ा आसान है कैप्टन अमरिंदर नूं कहना जी कैप्टन अमरिंदर ने नहीं किया, जे कैप्टन अमरिंदर ने नहीं किया तो तुसी उस वेले उहदा कोई सब्सटीट्यूट तुसी कोई सोचा भी एदा नहीं तो इदा कर लो, इस तरीके नाल कोई स्टडी की कोई तुसी इदा का? बिल्कुल तो ऐ लगता है भी जिवें हुण इस वेले ऐ लग रहा, जे पुछे मुड़ के देखिए भी कैप्टन साहब की विरोध तो सिर्फ वो है भी सारा ठीकरा कैप्टन से भन दौ, बाकी दे जिहड़े बंदे हैगे चाहे वह MLA है चाहे मंत्री है, आफ्टरऑल ग्राउंड ते काम किन्ने करना हुंदा, मुख्यमंत्री ने थोड़ी ना चौंक च जाके ट्रैफिक रेगुलेट करना है, MLA की करते सी इन्हां दे। जे इन्नी कांग्रेस की हालत माड़ी है कि मुख्यमंत्री हटाउणा पिया तो की कल्ले कैप्टन अमरिंदर की जिम्मेवारी है? फॉर एग्जाम्पल किसी भी कोई भी मुख्यमंत्री हो गए कि कल्ले मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है? MLA की किस किस्म की गवर्नेंस दे रहे हैं? SHO तुहाडी मर्जी दे लाई जाने, पटवारी तुहाडी मर्जी दे, तहसीलदार तुहाडी मर्जी दे, कादे वास्ते किस किस्म दी गवर्नेंस दित्ती आ ग्रास रूट लेवल ते? राजू विलियम, राजू विलियम, डिबेट दे एंड विच राजू विलियम आपां डिबेट दे एंड विच चन्न सिंह चन्नी ने एक होर गल कही है कि जिहड़े आ माफिया मूफिया आ इह मैनूं आके ना मिलन, इहदा मतलब इह है कि इस तों पहलां उन्हां ने एडमिट कर लिया कि इस तों पहलां माफिया राज चलदा रिहा ते सरकार आ सुती रही है। बिल्कुल ठीक, देखो ये इदा की जी है ना, ये तो एवं ना एवं बयानबाजी है जी जी जिसे तो इन्हों परहेज करना चाहिए सी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने भी किया मैं गल बढ़ा देंगा, ये वो ये मेरी बयानबाजी है, इन्हों गलों तो इन्हों करना चाहिए सीगा। हुण फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यह क्या है कि भी इन्होंने किस मसले का गल कर, हाँ मैनू रेत माफिया वाले आके ना मिलन, भाई तुम ये कहो कि भाई रेत माफिया जोड़ा हैगा वो उत्ते असी जी है जा तक नवी कोई इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बनावे जनू असी पहला ऑर्डर कर दिता कि जिन्हें की रेत माफिया की पछाण नहीं हैगी, सब नू पता है। सवाल यह गल त बनती सी कि भाई तुम अज उन्होंने कहें कि भाई हाँ असी ऑर्डर कर दिता और 15 दिनों के हफ्ते के जेडे रेत माफिया है वह असी उन्होंने अंदर करांगे। चलो इहदे वास्ते कोई सबूत दी लोड़ नहीं हैगी, सारा कुछ तैयार है, सरकार कोले पता है।
यही तो इल्जाम ला रहे थे रेत माफिया की पुश्त पनाही हो रही है। रेत माफिया हैगा उ फॉर एग्जाम्पल रेत माफिया हैगा मुख्यमंत्री जी तो कहना चाहिए सीगा पांच थोड़े समय लिए बने हैं ता मानते और दूजी गल हैगी है कि इस करके भी उन्होंने कहना चाहिए सी क्योंकि तुम साढ़े चार साल सरकार का एक्टिव हिस्सा रहे हो कैबिनेट के मंत्री रहे हो ठीक ठीक यू शुड हैव कम आउट विद अ कंक्रीट प्लान प्लान ऑफ एक्शन चलो बहुत धन्यवाद राजू विलियन तुहाडा हरदीप सिंह किंगरा तुहाडा भी बहुत धन्यवाद विनीत वर्मा तुहाडा भी बहुत धन्यवाद नरेश आकड़ी तुहाडा भी बहुत धन्यवाद। मिस्टर चन्नी दे अगे बहुत सारे चैलेंजेस है कि है मिस्टर चन्नी ने आपकी सरकार की कार्यकुशलता बारे भी एक जिक्र किया कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जिक्र किया उन्होंने कि उन्होंने बहुत वधिया काम किया दूजे पास वो उन्होंने जोड़े बयान है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं पर यह सरकार के लिए हनीमून पीरियड नहीं हैगा इन्हों काम करके दिखाना पवेगा नहीं तो पंजाब के लोग सवाल पूछण के तो फिर जोड़े चैलेंज इन्होंने बाकी पार्टियां अगर खड़े किए हैं वो लोग इन्हें आके चैलेंज बन के खड़े हो जाएंगे कि इन्नी मजबूत सरकार तुम दी सी तो चला नहीं सके चेहरा बदल के पंजाब के जे हल हो मुद्दे हल हो ही कैप्टन बदलिया पंजाब लिए की बदलिया उस सवाल का जवाब मिलेगा नहीं तो कांग्रेस ने एक जो राजनीति का ट्रेंड सैट किया पूरे देश के दे उस की रणनीति है जी वो भविख में कांग्रेस को किनिया वोटा दवाएगी इतों तक सीमित रह जाएगी जो तक मुद्दों का हल नहीं होगा। चन्नी अगे बहुत सारे चैलेंज है सवाल अच्छ घट किए गए मिस्टर चन्नी के अगे सवाल होर भी हो क्योंकि हजे तो शुरुआत हुई है। बहुत धन्यवाद।